अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिक्स ऑफ ऑल समथिंग ऑफ एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे हैं। आज हम जा रहे हैं गर्गेश्वरी को, वहाँ पे मेरे ममेरे देवर के बेटी का 40 डेज का सेरेमनी है, उसे हम छिल्ला कहते हैं। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम टू व्हीलर पे जा रहे हैं। कुछ 30 किलोमीटर का सफ़र है और हम जा रहे हैं टू व्हीलर पे। हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए हमारी जर्नी और वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जर्नी तो शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जर्नी को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि जर्नी की बातों में ही पूरा वक्त निकल जाता है। पर ये देखिए, ये है शिराज की पहले वाली स्कूल, ये तो ज़रूरी था बताना। हमारी तरह बड़े अम्मी भी बड़े अबू टू व्हीलर में आ रहे हैं। मेरे बड़े जेठ और जेठानी टू व्हीलर पे आ रहे थे, लेकिन दूसरे जेठ कार में थे तो मेरी जेठानी वहाँ पे शिफ्ट हो गई और मोमिनिन आ गए हैं बड़े जेठ के साथ। देखिए मोमिनिन हाय कह रहे हैं आपको। मेरे दूसरे जेट जो कार में हैं वो रास्ता बदल के कहीं और चले गए थे, उनका वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। वो ब्लैक कार दिख रही है, वो हमारे बड़े पापा की कार है। हाँ चलिए, हम अभी शुरू करते हैं जर्नी। हमारी फर्स्ट कार सियारा थी जो अभी यहाँ से पास हो रही है, तो मैंने उसे भी शूट कर लिया। मैंने टू व्हीलर में बहुत नज़ारे एंजॉय किए। हाँ, नज़ारे तो बहुत अच्छे थे क्योंकि कार में ऐसे खुला नहीं होता तो बहुत कुछ मिस हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे लोटस के झाड़ थे और चलते चलते हम दोनों ने रेस भी लगाई, पर मेरे जेठ ही आगे थे। जब हम सिटी में घूमते हैं तो हम हमारी ई बाइक में होते हैं, वहाँ पे हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं है उस व्हीलर में। पर यहाँ जब हम गए, हमने हेलमेट वगैरह पहना था और रोड सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा था, तो हमारा डेस्टिनेशन आ गया है। तो हम अभी पहुँच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन पर और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, मुझे भी लगी है। यहाँ आते आते हमें 3:30 बज गए थे। यहाँ पे सारे लोगों का खाना ख़त्म हो चुका था, ये हमारे ही इंतज़ार में थे। सबके मेल मिलाप के बाद और खैरियत पूछने के बाद यहाँ पे हम खाने के लिए बैठ गए। खाने के बाद मुझे खूब खेलना है। मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा साथ ही खाते हैं, जहाँ भी दावत हो या फिर घर पर भी हम साथ ही खाते हैं। तो यहाँ पे मेरे जेठ बैठ रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने उनके लिए जगह अलग से बना के दे दी और मेरे लिए अपने बाजू जगह बना ली। खाने का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था और हमारा ही वेट हो रहा था, बहुत टेस्टी था। जामुन बहुत लजीज थे। यहाँ सबके सामने रिकॉर्ड करने में थोड़ा हेजिटेट हो रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे देवर ने व्लॉगिंग के बारे में पूछा तो हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ये देखिए शिराज खाना एंजॉय करते हुए बैठे हैं।
अभी थोड़ा थोड़ा करके सारे लोग एडजस्ट हो रहे हैं हमारी व्लॉगिंग और रिकॉर्डिंग में। तो अभी देखिए मैं जामुन खा रही हूँ, ऐसे ही बिरयानी के साथ साथ प्लेट में ही डालकर खा रही हूँ। ये थोड़ी वियर्ड आदत है लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है। मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन ऐसे खाता है। और देखिए लास्ट में खाने के बाद मुझे ऐसे क्यूकम्बर पे दही चटनी डाल के खाना बहुत अच्छा लगता है। अभी आ रही हैं स्टार ऑफ टुडेज फंक्शन वर्ल्ड चिल्ला सेरेमनी की क्वीन। देखिए ये कितनी प्रिटी है, सॉरी मैं आपको नहीं दिखा सकती। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते थे उनके लिए अरेंजमेंट यहाँ पे ऊपर किया गया है। स्टार ऑफ टुडे भी अभी खाना खा रही हैं। यहाँ पे खाने के बाद सारे बड़े लोग बैठकर गपशप कर रहे हैं और आज की सेरेमनी की सेंटर स्टार आराम कर रही हैं। इनके उठने तक हम सोच रहे हैं कि हम कहीं बाहर जाएं घूमने। हम बाहर जाने वाले ही थे कि तब तक गुड़िया उठ गई थी और मैंने सोचा कि मैं उन्हें उठा लूं, पर मुझे वो नहीं हो रहा था तो मैं किसी के हेल्प से उनको ले लिया गोदी में। फिर थोड़ी देर उनके साथ खेला, फिर हम चले गए मछली के शिकार पर। यहाँ देखिए ये परफॉर्म कर रहे हैं रोनाल्डो का फेमस सिग्नेचर स्टेप। हम सारे चलकर जा रहे थे और मेरी जेठ और जेठानी टू व्हीलर पे आ रहे हैं। जहाँ पर हम चिल्ले के लिए आए थे सेरेमनी के लिए, वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा सा तालाब है, तो हम वहाँ जा रहे हैं फिशिंग ट्राई करने के लिए। मैं और मेरी जेठानी वहाँ दूर बैठे थे लेकिन मेरे हस्बैंड ने बुलाया कि यहाँ पे आके जो भी फिशिंग के लिए तैयारी हो रही है वो रिकॉर्ड करें। हमेशा की तरह वॉइस ओवर को बीच में ही रोक कर शिराज कहीं चले गए हैं, तो आगे का वॉइस ओवर मैं ही करने वाली हूँ। अनफॉर्चुनेटली एक भी मछली नहीं मिली लेकिन हमें एक सब्सक्राइबर ज़रूर मिल गया। तो इसके साथ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ आपको कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिराज ने भी अपने फ़िशिंग के स्किल को बहुत आजमाया लेकिन यहाँ पे फ़िशिंग नहीं हो पा रही थी। हमने जो वेस्टेज लाया था फ़िशिंग करने के लिए वो सारा कुछ चील लेके उड़ गई। अभी हम वापस जा रहे हैं घर। हम वहाँ से लौटकर अभी जा रहे हैं यहाँ पे एक रिलेटिव के घर पर। ये हमारी बड़ी जेठानी के बहन का घर है और देखिए इन्होंने भी हमारी तरह लव बर्ड्स पाले हैं और इनके पास बहुत सारे लव बर्ड्स थे जब हम पहले यहाँ आए थे कुछ 1.5 साल पहले। और पिंचस भी है, ये देखिए छोटा सा पिंचस का बेबी। तो अभी सभी लोग गैदर हो गए हैं, जो हमारी गुड़िया है उसको गिफ्ट्स वगैरह देने वाले हैं। सभी पैम्पर बहुत कर रहे हैं उसको क्योंकि आज तो उसी का दिन है। कल हम जाने वाले हैं मेरे और एक देवर की शादी पर, तो उसी ब्राइड के लिए ये गिफ्ट लिया है। मेरी सासू माँ यहाँ पे गुड़िया को रिंग पहना रही हैं। मैंने तो पूरी कोशिश कर ली है कि गुड़िया का फेस ना दिखे क्योंकि बच्चों को नज़र जल्दी हो जाती है। अगर आपने देख लिया है तो माशाल्लाह कह दीजिए ज़रूर क्योंकि बच्ची को नज़र ना लगे। तो अभी हम लौट रहे हैं मैसूर, कोई 7 o'clock हो रहे हैं और यहाँ से सीधे हम जाएंगे मेरी सासू माँ के यहाँ।
अगर आपने नोटिस किया तो आपने देखा होगा कि मेरी ननंद नहीं है, उनकी पूरी फैमिली भी नहीं आई, क्योंकि मेरी ननंद की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए हम जा रहे हैं मेरी सासू माँ के यहाँ, क्योंकि वो वहीं पे स्टे है। उनकी तबीयत खैरियत पूछ के फिर हम हमारे घर जाएंगे। और एक रीज़न और भी है कि शिराज कार में आ रहे हैं और हम दोनों टू व्हीलर पे। यहाँ पे देखिए कितना ट्रैफिक है और यहाँ बारिश भी हुई है मैसूर में, तो लकीली हमको बारिश का सामना नहीं करना पड़ा। हम अभी हमारे सासू माँ के घर के बहुत ही करीब आ गए हैं। ये देखिए नेक्सस सिटी मॉल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारा आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।